बॉडी, गलती मेरी ही थी ना, तो लाओ मैं सुखा देता हूँ तुम्हारी कॉपी। ये जो तुम पढ़ाई कर रही हो, एक स्कूल और उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो पढ़ने वाली, ना तुम्हारे आगे कोई और ना ही कोई पीछे। लेकिन पटुक के साथ ऐसा नहीं है, पटुक 30 बच्चों के बीच में दौड़ रहा है। क्या सच में तुम्हारी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं पटुक? 30 तो बहुत सारे होते हैं ना? हाँ, और बहुत मजा भी आता है सबके साथ। मजा? पर तुम तो घर पे पढ़ते हो तो तुम सोते हो। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करवाते हैं क्या बुद्धू? मतलब बॉडी, हम साथ में नाचते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाटक करते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ स्कूल खुलने का। लो, सूख गई तुम्हारी कॉपी। अब मुझे अपनी इस गीली कॉपी पर और बाकी सारी कॉपीज पर कवर चढ़ाना है। कवर? ये कवर क्या होता है? यानी इसे एक कागज से ढकना है। मैं चढ़ा दूँ कवर कॉपी पे? तुम्हें आता है क्या? सीखना तो आता है ना मुझे। ठीक है, मैं चढ़ाऊंगी कवर कॉपी पे। वो सब तो ठीक है अनिरुद्ध बाबू, लेकिन उद्घाटन कौन करेगा? अरे सौरभ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? उद्घाटन करेंगी होने वाली उद्यमी महिलाएं। हाँ, आप लोग ये डोर दिख रही है, उसे खींचिए। इस पे लिखा है दुर्गा शक्ति महिला गृह उद्योग, मतलब आपका अपना कारखाना। वो जगह जहां से आप सब अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत। तो करें श्री गणेश। सौरभ, सबको लड्डू बांटो भाई। अरे वाह बॉडी, तुमने तो अच्छे से कवर चढ़ा दिया। तो लाओ, अब मैं इन कॉपीज को अपने नए बस्ते में डाल देता हूँ। मेरी कॉपी दे दो। वैसे इतनी सारी कॉपी क्यों है? क्योंकि हमें सिर्फ स्कूल में क ख और बाड़ा खड़ी नहीं पढ़ाते, और भी विषय पढ़ाए जाते हैं स्कूल में। तभी इतनी सारी जेबें हैं तुम्हारे बस्ते में। इनको जेब नहीं, कंपार्टमेंट्स कहते हैं। तुम जेबी कहो। ये वाला पेंसिल बॉक्स के लिए, और इसमें टिफिन बॉक्स आता है। टिफिन बॉक्स? हाँ, स्कूल में दोपहर का खाना सब दोस्त साथ में खाते हैं ना।
हम सब एक दूसरे का खाना लेते हैं और इतने सारे प्रकार के खाने हो जाते हैं कि ऐसा लगता है हम स्कूल में नहीं किसी की शादी में खाना खा रहे हैं। क्योंकि तुम लड़की हो ना, और लड़कियां स्कूल जाती है क्या? नहीं, हम लड़के नवाब बनते हैं पढ़ लिख कर। तुम्हें तो बस घर बैठकर खाना बनाना है और उसे खाना है, तो तुम्हारी किताबों को कवर चढ़ाकर बैग में रखने की क्या जरूरत है? लड़कियों तो क्या हुआ, बस्ता मुझे भी चाहिए, मुझे भी चढ़ाना अपनी कॉपी पे कवर। तो बताइए कैसा लग रहा है आप सबको महिला उद्यमी बनकर? अरे पता है, कल मुझे एक सपना आया था और उस सपने में हमारे सारे कपड़े बिक गए और लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, सुरैया जी और कपड़े चाहिए, सुरैया जी और कपड़े चाहिए। अच्छा, सब तुम्हारे नाम क्यों ले रहे थे? हम क्या गाय बकरी चराने गए थे? अरे एक सपना था, ये भी ना एक पल में चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बन जाती है। रमैया तुम कहो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं क्या बोलूं, आज ही सब कुछ काम शुरू हुआ है, कल पता नहीं क्या होगा। अरे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। इलायची तुम्हें कैसा लग रहा है? सब अच्छा था, पर क्रांतिकारी बाबू आप अकेले क्यों आए, बोनिता क्यों नहीं आई आपके साथ? बोनिता को पढ़ाई करनी थी और उसके काका ससुर जी चाहते हैं कि वो घर के काम भी सीखे, तो बोनिता मुझसे ज्यादा व्यस्त है। भोली तुम्हें कैसा लग रहा है? बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या सोच रही हो तुम? बताने के लिए आवाज का है इसके पास। क्रांतिकारी बाबू ऐसा नहीं है कि इसके पास आवाज नहीं है, बस शायद बोलना इसे इतना पसंद नहीं है। अच्छा, पर ये तो जब से हीरा मंडी में आई है तब से हमने इसकी आवाज नहीं सुनी। जो लोग बोलते कम है ना, वो दूसरों की बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं और समझते भी हैं। क्यों भोली, तो अपना नया कारखाना देखिए। इसमें जेब चाहिए, एक पेंसिल बॉक्स के लिए, एक खाने के डब्बे के लिए। Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong.
तो बन गई हमारी। लेकिन इसके ऊपर दो बटन होने चाहिए, तभी जाके ये रुकेगा, नहीं तो सारा सामान नीचे गिर जाएगा। ये क्या कर रहे हो आप? ये तो बैरिस्टर बाबू का कोट है, आपने बटन निकाल दिया। कोई बात नहीं, पति बाबू के पास तो बहुत सारे कोट है, पर मेरा तो विद्यालय वाला पहला बचता है ना, ये अच्छा बनेगा, तभी अच्छे से पढ़ सकूंगी ना मैं भी। लो, कहने तो हम बहू को ये आए थे, बहू कुछ काम सीख लो, पर ये तो यहाँ पहले से ही सीख रही है सिलाई करना। शाबाश बहू। आ गई हो तो पढ़ाई शुरू करें वंदिता। हाँ, पढ़ाई दिखाने ही तो आई हूँ। वंदिता, पढ़ाई दिखाई नहीं जाती, पढ़ाई की जाती है। पर मुझे दिखानी है आज। कैसे? शुरू करने से पहले कुछ कहना है तो कह दीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, पढ़ाई शुरू करनी है, चलो। पक्का कुछ नहीं कहना? पक्का बोंदिता, मुझे कुछ नहीं कहना। पर मैंने देख लिया है कि तुमने अपने बुक्स पर बहुत अच्छे से कवर्स लगाए हैं। ये नहीं दिखा आपको? इन सब के साथ पढ़ाई करते हैं, ये क्यों नहीं बताया आपने मुझे? बोंदिता, मैंने ये सब देख लिया, पर सिर्फ बैग ले लेने से या बुक्स पर अच्छे से कवर लगा लेने से पढ़ाई हो जाएगी क्या? तो कैसे होगी? पढ़ाई होती है मन लगा के पढ़ाई करने से, यूं दिखावा करके नहीं। तो चलो, अब हम मन लगा के पढ़ाई करेंगे। वर्णमाला के अक्षर गुनना शुरू करो, पिछली बार सिखाया था ना? अंग,
अंग। बहुत अच्छे। च। च के बाद च। च के बाद छ बॉन्ड का। छ। च। च। छ फिर च। ज। गलत गलत, सब गलत बोल रही हो तुम बॉन्डिता। बॉन्डिता, वर्णमाला के ये अक्षर ना तुम्हारी पढ़ाई की नींव है। अगर इन अक्षरों को नहीं बोल पाई अच्छे से, इन्हें नहीं लिख पाई, तो ना शब्द बना पाओगी ना वाक्य बना पाओगी। और अगर शब्द और वाक्य नहीं बना पाई तो पढ़ाई कैसे करोगी, किताबें कैसे पढ़ोगी, अपने आप चिट्ठी कैसे लिखोगी। सीखना है या नहीं? पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं है तुम्हारी पढ़ाई। आंखें क्यों बंद कर ली हैं? और यार आंखें खोलो, चलो। माफ करना पति बाबू, पर छड़ी पड़ती है तो आंखें बंद हो जाती है मेरी। बंधिता, आज तुमसे एक वादा करता हूं मैं। तुम्हारा पति होकर भी और तुम्हारा गुरु होकर भी, मैं चाहे कितना भी गुस्सा हो जाऊं, तुम पर हाथ कभी नहीं उठाऊंगा। पक्का वाला वादा है तुमसे। बाबू क्या करे ये छोटी सी बंधुता, पाठ श्लोक तुक्का माँ की आरती सब याद हो जाते हैं मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों पढ़ाई का ख्याल आते ही कहीं से डर आ जाता है मन में और फिर सब भूल जाती हूँ। सारे शब्द दिमाग में घुल मिलकर खिचड़ी बन जाते हैं और सब गड़बड़ हो जाती है। मुझे पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने का आपका सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी मैं पति बाबू। Shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. कुछ समझ आया बंधिता? नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। समझ आएगा, देखना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास,
पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन। तुझ में रोशन होगा सूरज तो धूप भी आएगी, शब्द कागज पर चलेंगे तो राह तू पाएगी, तेरी किस्मत तेरे हाथों से ही लिखी जाएगी, तेरे कदमों के निशानों पर चलेगी दुनिया, मैं तेरी आंखों में देखूं सपना मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। अब समझ आया भानुता, तो जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा है, मुश्किल हो रही हो, तो अपने मन में अपने आप से क्या कहोगे? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बहुत अच्छे। तो बंदिता, अगर पढ़ाई को ना सिर्फ जरूरत समझकर करोगी तो बोझ लगने लगेगी, मन नहीं करेगा पढ़ने का, लेकिन अगर पढ़ाई को अपना दोस्त मान लोगी तो पढ़ने में मजा आएगा, समय बिताने में मजा आएगा पढ़ाई के साथ, जैसे दोस्तों के साथ समय बिताने में मजा आता है ना, वैसे ही अगर पढ़ाई को अपना दोस्त बना लेगी तो दोस्त के साथ समय बिताने में मजा आएगा। और याद रखना बंदिता, पढ़ाई वो दोस्त है जो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। बंदिता, जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा, उस दिन भी पढ़ाई तुम्हारी वो दोस्त बनकर तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे साथ रहेगी। जैसे आप हो मेरे लिए पति बाबू। तो बंदिता, पढ़ाई को अपना कभी हाथ ना छोड़ने वाला दोस्त बना लो। त्रिलोचनदानी है दो भाई, फिर भोजन दे दो। क्या सब ठीक है? अरे ठीक ही है, वो गांव वालों से मिलकर आ रहे हैं, सब बहुत परेशान है। कोई नया अंग्रेज अफसर आने वाला है। अरे आने के पहले ही बहुत सारे नियम कानून लागू कर दिए हैं। बेचारे गरीब गांव वालों के ऊपर इतने सारे कर लगा दिए हैं ना। अब उसकी टेंशन मत लीजिए दा, पहले वाले से भी हमारी अच्छी बातचीत थी, काफी काम करवा देता था वो हमारा। इस नए वाले से भी दोस्ती कर लेंगे। कुछ लोग हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। सोम, इस कुर्सी में बैठ जाओ। सोम, तुम वहीं बैठो। इसको यहाँ नहीं बैठना है, वो बाहर जाकर खा सकता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने अड़ियल पर। सोम, बर्दाश्त इन्होंने नहीं मैंने किया है, कह दो इनसे। बटुक, इनसे कह दो कि आवाज नीची रखें, बाप है हम इसके, बेटे नहीं।
सही कहा बाबा आपने, बाप हैं आप मेरे, पर बाप बेटे की रिश्ते की मर्यादा रखी आपने? बाप अपने बेटे को धोखा देता है क्या? कैसे कराया क्या विदेश से? लगता है हवेली में घमासान युद्ध होके रहेगा। हमें नहीं खाना खाना। अरे खाते वक्त कुछ शिष्टाचार होता है कि नहीं? बड़ों का सम्मान होता है कि नहीं? ले जाओ हमारा खाना। मैं ये सब सुन के पढ़ाई कैसे करूंगा स्कूल में? हमारे जीवन में अशांति फैली हुई है और तुम्हें अपनी पढ़ाई की पड़ी है? यहाँ तो सबको अपनी अपनी ही पड़ी है। हे भगवान, अब यहाँ कौन शांति लाएगा?